किसी भी व्यक्ति को बुरा कहने से पहले इंसान को स्वयं को देखना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे कर्म कितने अच्छे हैं, क्या मुझ में कोई बुराई नहीं है। कैकेयी ने राम को वनवास भिजवाया, परंतु कभी राम ने कैकेयी को बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो एक माध्यम भर है। 14 साल वन में रहना मेरा कर्म है, उसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी नित्य तमाम घटनाएं घटती हैं और हम समझते हैं कि इसकी वजह यह व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति उसकी वजह नहीं होता, बल्कि आपके भाग्य में जो लिखा होता है वह उस व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। आप किसी व्यक्ति को बुरा कह रहे हैं, यानी कि आप ईश्वर को बुरा कह रहे हैं। और कोई किसी की वजह से सड़क पर नहीं आता, बल्कि इंसान स्वयं अपने कर्मों से सड़क पर आ जाता है। इसलिए हमें स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं में सुधार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को अपमानित।